दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्थ्य एवं वास्तु टिप्स को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, दालचीनी का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। यह सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि वजन कम करने में भी मददगार है। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन दालचीनी का सेवन करने से मोटापा दूर होता है, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो दालचीनी की चाय का सेवन अवश्य करें। कई लोग दालचीनी की चाय गलत तरीके से बनाते हैं, आज हम आपको दालचीनी की चाय बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। इसके लिए आपको चाहिए 1 लीटर पानी, 1 दालचीनी की स्टिक या फिर 5 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1/2 चम्मच शहद। दोस्तों अब बात करते हैं इसको बनाने की विधि के बारे में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबाल लें। अब इसमें दालचीनी डालने के बाद मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट तक रखें और चाय को ठंडा होने दें। अब चाय ठंडी हो जाए तो उसमें शहद मिला लें। इसको आप दिन में 3 बार, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और रात के टाइम इस चाय का सेवन करें। आप चाहे तो इसे गर्म करके भी पी सकते हैं, इससे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों दालचीनी की चाय में कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती और यह शरीर में मौजूद कैलोरीज को कम करने में सहायक है। इसके अलावा यह चाय हार्मोन में इंसुलिन को बढ़ने से रोकती है। ऐसे में रोजाना दालचीनी का सेवन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।